चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग अगर 2025 में बिहार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को करना ना भूलें। और इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग करने से पहले बहुत डर जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अब डरना नहीं है, क्योंकि आज आपके सामने आपके बड़े भाई यादव मैथ राइटर सर मैथ का हलवा लेकर आए हैं, वो भी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसान विधि से और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करेंगे। इस क्वेश्चन को देखते हो आप डर गए होंगे, लेकिन डरना नहीं है, बस 2 मिनट देखिए, आपके डायरेक्ट भेजा में ठोकेंगे। ओके, देखिएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो क्या करना है, कहता दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक इसको अंडरलाइन करिए, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, यानी q की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी। ओके, चलिए तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, मानिएगा सॉल्यूशन, माना कि क्या बोला, धनात्मक विषम पूर्णांक, तो जो बोलेगा वही मानिएगा, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। अगर आप ये मान लिए, समझिए क्वेश्चन खत्म, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, इसीलिए ए बराबर क्या दिया है जी, 6q+1, 6q+3, 6q+5, यही ना बोल रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता, तो माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, और दिया है क्या, इसलिए a बराबर 6q+1, 6q+3 या तो 6q+5, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या कहता है जी, a बराबर b(q+r), यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर b(q+r), अगर हम इसको से इसको तुलना करें तो देखिए, तो b के जगह क्या हो जाएगा, इसीलिए b बराबर 6 हो जाएगा जी, इसीलिए b बराबर 6। अब बताइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेरा कहता क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, जहां 0 <laughs> 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 क्या होगा, b होता है। जब हम इक्विलिट विभाजन एल्गोरिथम लिखते हैं a बराबर b(q+r) तो क्या लिखते हैं कि 0 <laughs> 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 अब बताइएगा, यहां b की वैल्यू हमको क्या मिला था, 6 मिला था, इसलिए b=6, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, इसीलिए 0 <laughs> 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 अब यहां से हमको पता चलता कि r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6 से छोटा, जहां r=1 2 3 4 5। हमको ये बताती है, हम अपने मन से नहीं लिखते हैं, हमको ये बताती है, क्योंकि जब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लेते हैं a बराबर b(q+r) तो हमको कहता है कि 0 <laughs> 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 = r <laughs> = b होती है, यानी r की वैल्यू 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा होती है और b से छोटा होता है। यहां से हमको बताया कि b की वैल्यू क्या होता है, 6 होता है, इसलिए हम ले r की वैल्यू कितना, 1 2 3 4 5 लेंगे, क्योंकि r की वैल्यू b से छोटा रखना है। हो गया जी, 1 2 3 4 या तो 5, अतः अब हमको लिखना क्या है, हमको r की वैल्यू डालना है प्रत्येक में, क्योंकि यही ना है मेरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो प्रत्येक में r की वैल्यू डालना, अतः a बराबर b की वैल्यू कितना है, 6q+r, अतः a बराबर 6q+r, a बराबर 6q+r यदि r बराबर ओवन, तो अब बताइए यहां r बराबर ओवन डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6q+ओवन हो गया जी। पुनः यदि r बराबर 2 तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q+2। इसी प्रकार से हम बार बार करते चलेंगे,
चले देखिए इधर कर देते हैं, पुनः यदि r बराबर 3 तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q+3। फिर लिखेंगे यदि r बराबर 4 तो a बराबर 6q+4। पुनः यदि r बराबर 5 तो a बराबर 6q+5। अब आप कह रहे हो क्या सभी को लिखेंगे? हाँ सबको लिखेंगे, लेकिन छोटू हम अंततः डिसीजन लेंगे। अंततः हम देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक क्या माने, a माने हैं, लेकिन यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे ये जो हो गया वो क्या हुआ, सम संख्या हो गई है, और ये भी क्या हो गया, सम संख्या हो गया। हम a माने क्या है, विषम माने हैं, इसलिए सम को वहां पे लागू करेंगे नहीं। अतः मेरा मानना है कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। अतः मेरा मानना है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, अतः a 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होता है। यही आपको प्रूफ हो जाएगा जी। मेरे प्यारे बच्चे अगर कहीं भी डाउट आ जाएगा, किसी भी तरह का डाउट, तो जरूर बोलिए। फिर से एक्सप्लेन कर दें, जब भी बोलेगा विषम तो विषम मानेगा, सम बोलेगा तो सम मानेगा। तो विषम बोला तो हम विषम ए मान लिए, और ए बराबर दे लेको 6q+1 6q+3 6q+5। जब हम इसकी तुलना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किए तो हमको पता चला बी बराबर 6, और बी बराबर जब 6 लिए तो पता चला आर की वैल्यू 6 से कम होनी चाहिए, तो आर की वैल्यू 6 से कम लिए 1 2 3 4 5। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या करें, आर की वैल्यू डालेंगे, तो आर की वैल्यू 1 डालें तो 6q+1 प्राप्त हुआ, जब 2 डालेंगे तो 6q+2 हो गया। तो ए हो गया यहाँ सम संख्या ना, अरे बाबू सिर्फ 2 हो गया तो सम संख्या हो गया ना, लेकिन हमको a लागू है किसके लिए, विषम के लिए, इसलिए ये लागू नहीं होगा, इसलिए हमको अंततः डिसीजन लेना पड़ा। अंततः मेरा मानना है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, अतः a जो है 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होता है। ओके चलिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है आपका किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना, मार्च करना यानी खड़ी करना, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले, वाह समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा। बात कहे थे ना हम आपको कि या तो समान की बात करें या तो अधिकतम की बात करें, आप क्या निकालिएगा, एससीएफ निकालिएगा, वही आपको क्या हो जाएगा राइट आंसर। और यहां पे कोई यूक्लिड वगैरह वगैरह की चर्चा करने के लिए नहीं बोलता है, डायरेक्ट आप क्या कीजिए, एक है छोटा नंबर एक है बड़ा नंबर, मानिए सॉल्यूशन दिया है a बराबर कितना 616 और b बराबर कितना 32। अब 32 से 616 में भागा दीजिए, जो एससीएफ आएगा वही आपका राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन हमको यहां पे छोटू लैंग्वेज के रूप में बोला है, तो लैंग्वेज के रूप में बनाना है। क्या बोलता है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना है, तो क्या करिए आप, दिया है कुल सदस्यों की संख्या कितना, कुल सदस्यों की संख्या को ये कर देते हैं ब्रैकेट में, कुल सदस्यों की संख्या कितना 616। अब कहता है कि टुकड़ी को 12 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड, यानी 12 यानी 32 32 सदस्यों वाली एक लाइन लगाया जाता है, ठीक ना, एक लाइन में कितने बच्चे रहेंगे 32 लाइन, तो कुल कितनी लाइन बनेगा। 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, वो लाइनों की संख्या क्या होगी, प्रत्येक लाइन में कितना 32, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, एक लाइन में कितना बनेगा 32, टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना, कुल सदस्यों की संख्या 616 और
और पंक्ति की संख्या, या तो प्रत्येक पंक्ति में लिख दीजिए, पंक्ति में सदस्य की संख्या कितना, पंक्ति में सदस्य की संख्या कितना, तो 32। देखिए लैंग्वेज का क्वेश्चन बोला, लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। माना कि कुल सदस्यों की संख्या 616 है और पंक्ति में सदस्यों की संख्या कितना, 32। प्रत्येक यहां पे कर सकते हैं आप, प्रत्येक पंक्ति में सदस्यों की संख्या 32 है, तो आप कितना पंक्ति बनेगा, इसलिए अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर, छोटू यहां ब्रैकेट में बी कर दीजिए, स्तंभों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, कुछ नहीं होगा, बस अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर ए और बी का, ए और बी का एचसीएफ, ऐसा लिखिए, अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर ए और बी का एचसीएफ। ए और बी का एचसीएफ कितना हो जाएगा जी, तो 32/616 करिए तो कितना हो जाएगा, 32 का 32, 11 में से 2 9, और ये हो जाएगा 5, 5 में से 3 2 29, फिर 6 उतारिए तो 8 2 16, 8 मरते काटिए तो 8 2 16 की 6 हाथ में रहे, काटते 24 1 25, 256 कटेगा जी, 6 में से 6 0, 9 में से 5 4, 1 मरते और कट जाता, कट जाता ना, 9 मरते काटिए, 9 मरते काटिए, क्या हो जाएगा, 9 2 18 की 8, हाथ मेरा 1, और 9 3 27 1 28, 16 में से 8 घटाए 8, और ये हो जाएगा आपका 8, 8 में से 8 0 0, 8 से भागा पड़ेगा 32 में, तो हो जाएगा 8 4 32, खत्म। लास्ट वाला भाजक 8 आया, इसलिए सिर्फ कितना 8, इसलिए आपका राइट आंसर कितना आएगा, 8। ओके, बात समझ में आई, अगर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आएगा डायरेक्ट भागा देकर डायरेक्ट आंसर निकाल लीजिएगा, लेकिन नहीं, आपको लैंग्वेज में बोलना है तो हमको लैंग्वेज में बनाना। ओके चलिए, शेष क्वेश्चन आपको पार्ट 3 में आएगी, आज के लिए इतना है, थैंक यू सो मच।